जय माता दी। आज हम बात करेंगे कामकाज के बारे में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में यही डिसाइड नहीं कर पाते कि उनके लिए जॉब अच्छी है या बिजनेस अच्छा है। वो बिना सोचे समझे बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन कुंडली के अनुसार बिजनेस के योग ही अच्छे नहीं हैं, जिसके कारण उनको बिजनेस के अंदर नुकसान देखने को मिलता है। या वो एक के बाद एक जॉब बदलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आए दिन जॉब छूटती है या निकाल दिया जाता है और जॉब के अंदर स्टेबिलिटी नहीं बन पाती। जन्म कुंडली के अनुसार अगर छठे घर का संबंध दसवें घर के साथ बन रहा हो, ये संबंध कैसे बनेगा? यानी मान लीजिए दसवें घर में कोई ग्रह बैठा है और उसकी राशि छठे घर में है, या छठे घर में कोई ग्रह बैठा है और उसकी राशि दसवें घर में है, तो दसवें और छठे का आपस में संबंध बन गया। अगर तो ये योग बन रहा है तो आप लोगों को हमेशा नौकरी करनी चाहिए। या फिर जन्म कुंडली में अगर सूर्यदेव बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, शुभ घरों के अंदर बैठे हुए हैं, तब भी इंसान नौकरी के अंदर अच्छी सफलता पाता है। और चंद्रमा की अगर हम बात करें, चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के पांचवें घर में बैठे हैं, छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं, ग्यारहवें घर में बैठे हैं या बारहवें घर के अंदर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को भी जॉब करना, नौकरी करना हमेशा फलदायी होता है, हमेशा नौकरी के अंदर तरक्की पाते हैं। और किन लोगों को बिजनेस नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं। जन्म कुंडली में अगर बुध देव बहुत ज़्यादा खराब अवस्था के अंदर हो, बहुत अशुभ होकर के बैठे हुए हो, ऐसे लोगों को कभी भी बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ऐसे लोग, बुध खराब वाले लोग, अगर 34 साल की उम्र से पहले बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमेशा उनको बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, या कई बार बिजनेस थोड़ी देर चल के बहुत घाटे में जाता है या बंद करना पड़ जाता है। तो जिनका बुध बहुत ज़्यादा खराब है उनको भी नौकरी में ही नहीं जाना चाहिए, उनको बिजनेस के अंदर भूल करके भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिनका बुध बहुत ज़्यादा अच्छी अवस्था के अंदर है, बहुत शुभ अवस्था में है, ऐसे लोग अपनी जन्म कुंडली के अनुसार जो भी उनको बिजनेस सूट करता है वो बिजनेस करे, तरक्की जरूर मिलेगी। या फिर जन्म कुंडली के दसवें घर का संबंध दूसरे घर के साथ हो जाए, या नौवें घर का संबंध दूसरे घर के साथ हो जाए, तब भी बिजनेस बहुत अच्छा फलता है। तो इस तरह से हम अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ये जान सकते हैं किसी भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले कि जिस बिजनेस के अंदर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्या हमें इसमें घाटा तो नहीं होने वाला, या अगर हम नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिल रही, तो क्या जन्म कुंडली में कौन से ऐसे योग है जो हमें नौकरी में सफलता नहीं दे रहे। इस तरह से हम अपनी जन्म कुंडली से अपने करियर के लिए ये जान सकते हैं, ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें करना क्या चाहिए, नौकरी करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। अगर हमने ये जान लिया, उसके बाद हमें कामकाज के अंदर तरक्की 100% मिलेगी। इसी तरह से हम और भी विषयों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता।